गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ क्लास 11। देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट इन फिजिक्स। मेजरमेंट फिजिक्स में हमको इसकी क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। हालांकि ये तो सब जानते हैं कि जो मतलब सॉलिड चीज़ें होती हैं उसको हम केजी में मेज़र करते हैं, लिक्विड चीज़ें होती हैं लीटर में मेज़र करते हैं, है ना। गैस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेज़र करते हैं, लेकिन हमको उसको डिटेल में डिफिनीशन में समझाना है। फिजिक्स इज़ एन एग्जैक्ट साइंस। फिजिक्स एक मतलब फिजिक्स ने साइंस को बहुत ही मजबूत बनाया है। फिजिक्स इज़ एन एग्जैक्ट साइंस विच गिव्स एन एक्यूरेट नॉलेज अबाउट नेचर एंड द नेचुरल फेनोमेना। देखिए, फिजिक्स ने नेचर को समझाया है, नेचर के बारे में हमको एग्जैक्ट नॉलेज दिया है और नेचर में जो घटनाएं घटित होती हैं उसको भी समझाया है। नीड फॉर मेजरमेंट एक्सप्रेसेस वेरियस नेचुरल फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एमंग द क्वांटिटीज। देखिए, जो मेज़रमेंट की जो आवश्यकता है, उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया किसके किसके बीच, नेचुरल फेनोमेना के बीच में और क्वांटिटीज़ के बीच में, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उसको हम लोग केजी में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने आलू लिया, पोटैटो को जब हम मार्केट में जाएंगे तो उसका मेज़रमेंट किससे करेंगे, केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। लिक्विड है, हर घर में बेटा दूध आता है, तो दूध को तो हम केजी में रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, लीटर में करेंगे। तो इस तरीके से नेचुरल फेनोमेना और क्वांटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसने मेज़रमेंट को समझाया, ठीक है। तो द एक्यूरेसी ऑफ दीज रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, इनकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है जो हम मेज़रमेंट करते। अब जैसे मान लीजिए हमने 3 लीटर मिल्क लिया, 3 लीटर मिल्क लिया, अगर हम इसमें थोड़ा भी मिल्क ऐड कर देंगे या थोड़ा निकाल लेंगे तो वो एक्यूरेट तो रहेगा नहीं, वो 3 लीटर नहीं होगा, फिर वो या तो 2.5 लीटर हो जाएगा या तो 3.5 लीटर हो जाएगा। फिलहाल ये एक डिफिनीशन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। लॉ ऑफ फिजिक्स जो जैसा हमको कहता है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ऐसे क्वांटिटीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ टू टाइप्स की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट। ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट हो, किसी पर डिपेंड ना हो, किसी दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड ना हो, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, मास भी किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। उसी तरीके से टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और ये बेटा सेवन होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आता है डिराइव्ड क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड एज डिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। डिपेंडेंट मतलब ये डिपेंड करती है, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ऐसी क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं और उसके यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे देखिए, एक हमने एग्जांपल लिया है स्पीड, ये आपका स्पीड जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड का फार्मूला हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम जानते हैं। डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है, टाइम एक तरह का टाइम है। तो ये स्पीड डिपेंडेंट मतलब इनडिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट है। स्पीड क्या है? डिपेंडेंट है, लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए स्पीड क्या हो जाएगा? डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। अब उसी तरीके से देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी पर वेलोसिटी इसकी फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम की फिजिकल क्वांटिटी टाइम है। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी का भी एक फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट पर भी ये डिपेंड कर रहा है। तो जब कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करे, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिराइव क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा आपको समझा दें, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी, जो आपको मैंने बताया था कि देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी और इनके यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, जिसका दूसरा नाम एसआई यूनिट भी होता है। तो देखिए, कोई भी लेंथ हो उसका एसआई यूनिट मीटर होगा, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये सेवन आपके फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, सेवन आपका फंडामेंटल यूनिट है। अब हम आपको डायमेंशन बता रहे थे कि डायमेंशन क्या होता है। अब जैसे देखिए, लेंथ है, लेंथ को एज ए डायमेंशन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं,
इलेक्ट्रिक करंट को इसके पहले लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन के पहले लेटर के से रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडिला का पहला और फोर्थ लेटर साथ में यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पर ई लगा रहता है, यहाँ ई नहीं लगा रहता है। अब इन्हीं डायमेंशन की मदद से हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखिए कभी कभार ये होता है कि हम लोगों को जो डिराइव्ड क्वांटिटी दी जाती है उसका फार्मूला हमें या उसका डायमेंशन याद नहीं रहता है, उसका यूनिट नहीं याद रहता है, तो हम आपको एक ऐसा प्रोसेस बताएंगे, एक तरीका बताएंगे जिसकी वजह से हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकें, ठीक है। डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन आप लोग जान गए थे। अब डिराइव्ड क्वांटिटी तो 7 नहीं होती है, बहुत सारे होते हैं, तो इसमें से मैंने 8 लिखे हैं, और 8 ऐसे डिराइव्ड क्वांटिटी लिखे हैं जिसके लगभग फार्मूले आपको आते होंगे। अब जैसे एरिया है, एरिया में तो बहुत सारे एरिया होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सर्किल, तो हम बहुत सारे फार्मूले को ना लेकर के जो हमारे दिमाग में बैठा है एरिया का फार्मूला उसको दिमाग में रखेंगे। क्या एरिया का फार्मूला हमें लेंथ इनटू ब्रेथ बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है। तो ये जो लेंथ है ये एक तरह की लंबाई है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो एरिया का फार्मूला है। अब हमें इन दोनों का डायमेंशन अलग अलग जानना है। लेंथ एक तरह की लंबाई है, ब्रेथ भी एक तरह की लंबाई है, तो लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल होगा और ब्रेथ का भी डायमेंशन एल होगा ना, दोनों एक तरह की लंबाई है इसलिए डायमेंशन लेंथ में ही ली जाएगी। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एल टू, एल टू। अगर हमें इसका यूनिट जानना है, एरिया का यूनिट क्या होगा, तो एल मतलब फंडामेंटल यूनिट, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, तो हम लेंथ की जगह पर क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर। इस तरीके से एरिया का फार्मूला तैयार होता है। अब आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम में बहुत सारे वॉल्यूम होते हैं, क्यूबाइड, स्फीयर, तो हमें उस पर नहीं जाना है। जनरली हमारे दिमाग में क्या वॉल्यूम का फार्मूला बैठता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। अब आपको सोचना है लेंथ का डायमेंशन क्या है, ब्रेथ का डायमेंशन क्या है, हाइट का डायमेंशन क्या है। लेंथ का डायमेंशन है एल, ब्रेथ का भी डायमेंशन है एल, और हाइट भी एक तरह की लंबाई है, इसका भी डायमेंशन है एल। तो कुल मिला करके ये डायमेंशन कितना हो जाएगा? एल थ्री हो जाएगा। एल क्यूब नहीं पढ़ा जाता है, एल थ्री पढ़ा जाता है। अच्छा, अगर इसका यूनिट निकालना हो तो एल मतलब मीटर, एम मतलब केजी, टी मतलब सेकेंड, तो एल मतलब मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब आता है डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन
वॉल्यूम, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास का आपको मालूम है डायमेंशन क्या होता है? मास का डायमेंशन m, और वॉल्यूम का डायमेंशन हमने यहाँ निकाला है, वॉल्यूम का डायमेंशन हमने यहाँ निकाला है। थोड़ा सोच करके बताएं कि L3 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या ये एम एल माइनस थ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब L पावर 3 को जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर निगेटिव हो जाती है, ठीक है। और अगर इसका SI यूनिट निकालना हो, मतलब फंडामेंटल यूनिट निकालना हो, तो यम क्या है, केजी, यम है केजी, ये अपॉन हो जाएगा पर, यल क्या है मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। इस तरीके से ये डेंसिटी का यूनिट तैयार हो जाएगा। अब स्पीड और वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? स्पीड का तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आपसे कोई पूछेगा डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है, एल, और टाइम का डायमेंशन क्या है, टी, जब टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। यहाँ पे टी की पावर वन है, ये जब पावर वन ऊपर जाएगा तो टी पावर माइनस वन हो जाएगा। अगर इसका यूनिट निकालना हो तो एल से तो हो जाएगा मीटर, फिर ये पर, टी का हो जाएगा सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमने इसका यूनिट भी निकाल लिया और डायमेंशन भी निकाल लिया। ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है। अब एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमें सोच करके देखना है, देखिए ये जो वेलोसिटी है यही चेंज इन वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी का डायमेंशन मालूम है तो हम यही डायमेंशन इसकी जगह पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन अपॉन टी, ठीक है। अब ये देखिए टी पावर वन है, ये टी पावर वन को जब ऊपर ले जाएंगे तो टी पावर माइनस वन हो जाएगा। अब माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, ये एल टी माइनस टू हो जाएगा। अगर इसका यूनिट निकालना है तो एल से मिलेगा मीटर। अब क्योंकि टी के ऊपर पावर माइनस में है तो यहीं पे पर लगा देंगे, और टी होता है सेकेंड, तो ये सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से एक्सेलरेशन का हो जाएगा। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी ये रहा एल टी माइनस वन, तो हम यहाँ पर एल टी माइनस वन ले लेंगे। अब दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, m एल टी माइनस वन, m एल टी माइनस वन। अगर इसकी यूनिट निकालनी है
तो यम से तो मिलेगा केजी, यल से मिलेगा मीटर। अब क्योंकि टी के ऊपर पावर माइनस में है तो यहीं पर लगा देंगे, और टी का होता है सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आता है फोर्स। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें मास का भी मालूम है, हाँ मास का तो एम ही होता है, मास का डायमेंशन एम होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू होता है। तो अगर दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब अगर इसके हिसाब से हम इसका एसआई यूनिट निकालना चाहें, एम से तो बन जाएगा केजी, एल से बन जाएगा मीटर, अब टी की पावर निगेटिव है तो यहाँ पर टी की पावर टू है तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फोर्स का एक दूसरा यूनिट भी हम लोग जानते हैं, न्यूटन, है ना। अच्छा ये न्यूटन क्यों रखा गया, क्योंकि फोर्स के बारे में न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया, इसलिए उन्होंने इस यूनिट को अपने ही नाम से रख दिया। अब आता है वर्क। वर्क का जनरल फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका, अच्छा ये रहा फोर्स, फोर्स हम निकाल चुके हैं, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह की लंबाई है, ये हो जाएगा एल। अब ये एल की पावर वन है, यहाँ पर भी एल की पावर वन है, तो ये बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, अगर हम इसका एसआई यूनिट निकालना चाहें तो यम से हो जाएगा केजी, एल से हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अब क्योंकि इसकी पावर निगेटिव है तो यहाँ अपॉन सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और वर्क की एक और यूनिट होती है जिसे हम लोग जूल कहते हैं, क्योंकि वर्क के बारे में जूल एक्सपेरिमेंट ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उन्होंने अपने ही नाम से वर्क का यूनिट जूल रख दिया। तो ये केवल आठ ही यूनिट नहीं है, अभी और भी यूनिट हैं जिसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। हैव ए गुड डे बेटा, है।